हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आरके एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले भाई बात करते हैं जो ये जो थ्योरी है ये डाल्टन ने दी थी, ठीक है, 1808 में। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के हिसाब से, मतलब ये थ्योरी बेसिकली कहती क्या है, तो ये थ्योरी के हिसाब से ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक है, हमारे चारों तरफ जितने भी मैटर्स हैं, जैसे ये मार्कर हो गया, ठीक है, ये बोर्ड हो गया, जितने भी मैटर्स हैं, जितने भी सब्सटेंस हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं जिनको आप फर्दर कट नहीं कर सकते। उन पार्टिकल्स को, उन छोटे पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया एटम। ठीक है, एटम एक ग्रीक भाषा एक वर्ड है एटमस, एटमस जिसका मतलब होता है अनकट, वहाँ से ये नाम लिया गया है एटम। ठीक है, तो एटम बेसिकली क्या है, एटम सबसे छोटे से छोटा सा हिस्सा एक मैटर का जिसे आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और पूरी बॉडी मतलब पूरा मैटर, पूरा सब्सटेंस इसी एटम से जुड़ जुड़ के बना है। तो ये बेसिकली डाल्टन इस थ्योरी का क्या था, एक आइडिया था, जो बेसिकली वो ये कहना चाहते थे कि भाई जितने भी मैटर हैं, जितने भी, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी स्टेट में हो, वो छोटे छोटे किससे बनी है, पार्टिकल से बनी है, चाहे वो गैस स्टेट हो, चाहे लिक्विड स्टेट हो, चाहे सॉलिड स्टेट हो, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है जिनको उन्होंने नाम दिया एटम, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एटम बेसिकली क्या, एटम मतलब ये जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर मतलब कट नहीं कर सकते, काट नहीं सकते। तो ये है आपका एक बेसिक आइडिया डाल्टन थ्योरी का। उसके बाद इस थ्योरी में कुछ अजम्पशंस भी लिए गए थे, मतलब कुछ पोस्टुलेट्स भी हैं। अब वो पोस्टुलेट्स देखो क्या है, जैसे पहला है कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम। तो ये तो स्टेटमेंट ही था भाई, जितने भी मैटर्स हैं वो किससे बने हैं, एटम से मिलके बने हैं, जो बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स हैं। ठीक, उसके बाद सेकंड है कि एटम्स आर नॉट डिविजिबल, ये वाली बात भी समझ में आती है। अभी मैंने आपको बताया कि एटम्स वो छोटे से छोटा हिस्सा है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, ये मार्कर है मान लीजिए, ठीक है, मैंने इसको काट दिया, दो हिस्सों में टूट गया। अब उस छोटे वाले हिस्से को मैंने और फर्दर काटा, फिर और फर्दर काटा, फिर और फर्दर काटा, फिर काटता चला गया, काटता चला गया, काटता चला गया, काटता चला गया। एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पर वो फर्दर नहीं कट सकता, जहाँ पर ये जो मार्कर है ये फर्दर नहीं कट सकता, उस स्टेट को हम एटम कहेंगे। क्लियर है, एटम मतलब क्या, इसको आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ये जो थ्योरी है, जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, वो यही एटम की जो डेफिनेशन है उन्होंने ये दी कि भाई वो छोटे से छोटा हिस्सा एक सब्सटेंस का या फिर एक मैटर का जो फर्दर डिवाइड ना हो सके। यहाँ तक समझ में आया, पहले दो पॉइंट क्लियर हो गए। थर्ड देखो क्या है, थर्ड देखिए क्या है कि एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब ना ही एटम आप बना सकते ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते। तो ये जो पोस्टुलेट है, ये जो अजम्पशन है, ये किसको, किसके हिसाब से देखा गया है, ये देखा गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही तो यही कहता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल चेंज या फिर इन केमिकल रिएक्शन। उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, क्लियर, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मास का। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हमारा क्या मतलब होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। वही बात, वही चीज़ उन्होंने एटम्स के बेसिस पे की, क्योंकि जितने भी सब्सटेंस है, जितने भी मैटर्स है, वो किससे बने हैं, एटम से बने हैं। तो आसान भाषा में हम ये मैटर को, मास को ना कह के हम क्या कह सकते हैं, एटम कह सकते हैं, कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। अगर एटम ही नहीं बनेगा, नहीं डिस्ट्रॉयगा, इसका मतलब मास नहीं बनेगा। भाई ध्यान से समझो, एटम ही जुड़ जुड़ के मास बना रहा है ना। अगर मास की बात करें या एटम की बात करें, बात तो एक ही है, एटम ही जुड़ जुड़ के एक मास बनाता है। आप ये कहते हो कि इसका मास है, इसका मास ना ही खत्म होगा ना ही वो क्रिएट होगा। अरे भाई, लेकिन इसका मास क्यों है, उन टाइनी पार्टिकल के मास की वजह से, उन एटम्स की वजह से। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि एटम्स भी नहीं क्रिएट होते, नहीं डिस्ट्रॉय होते। क्लियर है, मतलब ये जो पोस्टुलेट था इस थ्योरी का, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, ये जो पोस्टुलेट है, ये किस चीज़ को एक्सप्लेन करता था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। भाई मास भी यही कहता था, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इसका मतलब वो लॉ जो है वो क्यों ऐसा कह रहा है, क्योंकि एटम इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। समझ में आया, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स, मतलब क्या है कि जो एटम्स हैं, जो क्या है, एटम्स हैं। अब देखो, एटम हर एक चीज़ का अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, लोहे का जो एटम है, आयरन का जो एटम है वो अलग होगा, क्लोरीन गैस का जो एटम है वो अलग होगा, ऑक्सीजन गैस का जो एटम है वो अलग होगा। मीन्स एटम किसके होते हैं, एटम होते हैं एलिमेंट्स के। एटम होते हैं किसके मेरे भाई, एलिमेंट्स के। जब
एक जैसे एटम जुड़ जुड़ के एक सब्सटेंस बनाते हैं, उसको कहते हैं एलिमेंट। आराम से समझना इस चीज़ को। तो एटम क्या है, हर एक एलिमेंट का अलग अलग क्या है, एटम है। हर एक एलिमेंट के क्या है, अलग अलग एटम है। जैसे ऑक्सीजन का एटम हो गया, हाइड्रोजन का एक एटम हो गया, क्लोरीन का एक एटम हो गया, आयरन का एक एटम हो गया, कॉपर का एक एटम हो गया, हर एक का क्या है, एक अलग अलग एटम। अब ये जो एटम है ये जुड़ के ये क्या काम करते हैं, ये केमिकली क्या करते हैं, जुड़ते हैं, और जुड़ के क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं मॉलिक्यूल। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ये क्या है, एक एटम है। वहीं अगर हम बात करें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ये क्या है, एक एटम है। जब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, सॉरी हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के एटम मिलेंगे, क्या करेंगे, मिलेंगे, कंबाइन होंगे केमिकली, तब वो क्या बनाएंगे, H2O। ये क्या है, एक मॉलिक्यूल, पानी का एक मॉलिक्यूल। अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी का क्या एक एटम होता है, नहीं, पानी का एक एटम नहीं होता, पानी का एक मॉलिक्यूल होता है जो दो तरीके के एटम से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। इस चीज को ध्यान से समझना, क्लियर है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि पानी का क्या एटम होता है, आप कहोगे नहीं, पानी का कोई एटम नहीं होता, पानी का मॉलिक्यूल होता है, और वो जो एक मॉलिक्यूल होता है दैट इज H2O, वो जो एक मॉलिक्यूल होता है पानी का, वो दो एटम से मिलके बना है जो अलग अलग है, एक है हाइड्रोजन एक है ऑक्सीजन। समझ में आ गया, क्लियर हो गया फंडा, ध्यान से समझो इस चीज़ को। तो ये जो पोस्टुलेट है, ये जो अजप्शन है, ये डाल्टन थ्योरी का, ये क्या कहता है कि जो केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एटम्स, जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं, चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, अभी कोई लेना देना नहीं है, जब दो या दो से ज़्यादा एटम मिलते हैं, कंबाइन होते हैं केमिकली, तब वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो वो क्या बनाते हैं मेरे भाई, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल रखा H2O का, पानी का H2O, और बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे आपने देखा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, आपने देखी कि नहीं, मतलब देखी नहीं होगी बट पढ़ी तो है उसके बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। यहाँ पर भी देखो, अगर मैं आपसे पूछूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक एटम है, नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है, हाँ है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है, ये रहा CO2, जो किन एटम से मिलके बना है, एक कार्बन का एटम आया होगा और दो, टू लिख रहा है ना, दो ऑक्सीजन के एटम आए होंगे। अब आ रहा है समझ में थोड़ा सा, है ना, कार्बन का एक एटम आया, ऑक्सीजन के दो एटम आए, ये दोनों कंबाइन हुए केमिकली और इन्होंने क्या बनाया मेरे भाई, मॉलिक्यूल बनाया, एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का, एक मॉलिक्यूल CO2, और यही मॉलिक्यूल फिर जुड़ जुड़ के पूरा क्या बनाएगा, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगी जिसको आप कंपाउंड कहते हो। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो ये पोस्टुलेट ये कहता, ये जो पॉइंट है ये कहना चाह रहे हैं इस थ्योरी में कि जब भी एटम्स कंबाइन होते हैं, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, केमिकली जुड़ते हैं तब वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे CO2, H2O, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये भी क्या है, एक मॉलिक्यूल है। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। फोर्थ पोस्टलेट क्लियर हुआ, फोर्थ पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो फिफ्थ देखो क्या है, ऑल एटम्स इन एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, ऑल एटम्स इन एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, मास आइडेंटिकल मतलब क्या, एक जैसे। अब एक जैसे किस चीज को कह रहा हूं मैं, मास एक जैसा होगा हर एक एटम का, साइज एक जैसा होगा हर एक एटम का, प्रॉपर्टीज केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टीज क्या होंगी, एक जैसी होंगी एटम की। अब इसको ध्यान से समझते हैं, मैंने अभी आपको बताया था एलिमेंट मतलब क्या, एलिमेंट मतलब जैसे आयरन एक एलिमेंट है, जिंक एक एलिमेंट है, उसी तरीके से हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक एलिमेंट है, एंड सो ऑन। ये सारे क्या है हमारे पास, एलिमेंट्स, ठीक है। अब मुझे खुद सोच के बताओ, ध्यान से समझना इसको, मान लो मेरे पास एक एल्यूमिनियम की फॉइल है, मान लो मेरे पास क्या है, एक एल्यूमिनियम की फॉइल है जो खाना पैक करने के लिए यूज़ करते हो आप, एल्यूमिनियम की फॉइल है। अब आप भी जानते हो ये पूरी की पूरी एल्यूमिनियम है, इसके अंदर कुछ नहीं है, मान लो ये पूरी की पूरी एल्यूमिनियम है, प्योर एल्यूमिनियम है, इसके अंदर कोई भी मिलावट कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम है। यहाँ तक समझ में आता है। अब अगर हम इस थ्योरी को लगाएं तो ये थ्योरी क्या कहती है, हर एक मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है जिनको एटम कहते हैं।
मतलब ये जो एल्यूमिनियम की फॉइल होगी ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होगी। बहुत बढ़िया, ये भी समझ में आ गया जी, सही जा रहे हो भाई, ये भी क्लियर है भैया। जो आपकी एल्यूमिनियम की फॉइल होगी ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होगी, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है। ये क्यों कह पा रहा हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू डाल्टस एटॉमिक थ्योरी, उन्होंने कहा है भाई साहब, हमारे भाई साहब जी ने कहा है कि जो पार्टिकल्स हैं, जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, जिसको एटम कहते हैं। ठीक है, अब मुझे सोच के बताओ, क्या लेट्स से ये एटम है वन, ये एटम है टू, क्या वन और टू एटम एक जैसे होंगे, यस और नो? क्या वन एटम और टू एटम एक जैसे होंगे, बिल्कुल हूबहू होंगे या अलग होगा? एक जैसे होंगे। क्या ये वाला एटम एक जैसा होगा? बिल्कुल होगा। अब क्यों मैं कह रहा हूँ एक जैसा होगा? अगर मेरे भाई, ध्यान से समझना इस चीज़ को, अगर एटम्स अलग अलग हुए तो ये एलिमेंट नहीं रहेगा, ये सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा। ये बात उन्होंने इस थ्योरी में कही थी कि एक एलिमेंट, जैसे एल्यूमिनियम क्या है, एक एलिमेंट है, तो उसके अंदर कितने भी एटम होंगे, जितने भी एटम होंगे वो सारे के सारे एल्यूमिनियम के ही होंगे, वो एक जैसे होंगे, उन सबका साइज सेम होगा, मतलब कि मास साइज सेम होगा, मास सेम होगा, और उन सब की प्रॉपर्टी सेम होगी। आसान भाषा में इसको और आसानी से समझ सकते हैं, जब एक जैसे एटम जुड़ते हैं तब वो एलिमेंट बनाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का एक एटम होगा, ठीक है, एक एल्यूमिनियम का ये एटम आया, जुड़ गए, 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 जुड़ के उन्होंने एक एल्यूमिनियम बनाया, चाहे वो एल्यूमिनियम की फॉइल हो चाहे वो कुछ और हो, बट बनाया उन्होंने एल्यूमिनियम। यहाँ तक समझ में आता है? मतलब कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर सेम, मतलब आइडेंटिकल एटम्स होंगे, आइडेंटिकल मास से होंगे, साइज से होंगे, प्रॉपर्टीज से होंगे। याद रखना, एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर जितने भी एटम्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, वो सारे के सारे एक जैसे हैं, सारे के सारे क्या हैं, एक जैसे हैं, मतलब कि एल्यूमिनियम के हैं एक जैसे, बिल्कुल धौर, कोई अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। यहाँ तक समझ में आता है, क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लोहे का टुकड़ा है, एक लोहे का मान लीजिए आपके पास टुकड़ा है, या फिर एक लोहे की रॉड है, तो जितने भी एटम्स होंगे उस लोहे की रॉड के अंदर वो सारे के सारे एक जैसे ही होंगे। आयरन का जो एटम होगा और जो आपका एल्यूमिनियम का एटम होगा उनमें फ़र्क नहीं होगा क्या? क्या साइज में फ़र्क होगा? हो सकता है। क्या मास में फ़र्क होगा? हो सकता है। क्या प्रॉपर्टीज में फ़र्क होगा? बिल्कुल हो सकता है भाई मेरे। आप कैसे कह सकते हो कि एक आयरन का एटम एक एल्यूमिनियम का एटम एक जैसे होंगे? अलग अलग होंगे, हर एक एलिमेंट का अलग अलग एलिमेंट एटम होते हैं। आयरन का अलग एटम होगा, एल्यूमिनियम का अलग एटम होगा, कॉपर का अलग एटम होगा, जिसका साइज मास प्रॉपर्टीज अलग होंगी। सिल्वर गोल्ड, इनके एटम्स अलग अलग होंगे, इनकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, मास अलग होगा, साइज अलग होगा। यहाँ तक समझ में आता है? क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट, समझ में आया? नो, बहुत बढ़िया। सिक्स, डिफरेंट एलिमेंट्स कंटेन डिफरेंट एटम। ये तो मैंने अभी आपको बात बताई थी कि भाई जैसे अगर मैंने अभी आपको बताया कि ये जिंक का एटम है, जिंक ले लो या आयरन ले लो, ये आपका कॉपर का एटम है। अब कॉपर का जो एटम होगा और जो जिंक का एटम होगा, यार फ़र्क तो होगा दोनों में, है ना, फ़र्क तो होगा। इसके मास में भी फ़र्क हो सकता है, साइज में भी फ़र्क हो सकता है, प्रॉपर्टीज़ में भी फ़र्क हो सकता है। प्रॉपर्टीज मतलब क्या? कलर हो गया, ठीक है, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, ये सब क्या है? प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया? मतलब कि डिफरेंट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मैंने अभी आपको बताया, ऊपर एग्जांपल लिखे हैं, जैसे आयरन, जिंक, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? एलिमेंट्स। ठीक है, जो एक ही जैसे एटम से मिलके बनते हैं, जो एक ही जैसे एटम से मिलके बनते हैं। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है? डिफरेंट एलिमेंट्स कंटेन डिफरेंट एटम्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अलग अलग एलिमेंट जो है वो अलग अलग एटम्स को कंटेन करते हैं। आयरन का अलग एटम होगा, कॉपर का अलग एटम होगा, गोल्ड का अलग एटम होगा, सिल्वर का अलग एटम होगा, इन सबके अलग अलग एटम्स होंगे, सबके मास अलग होंगे, साइज अलग होंगे, प्रॉपर्टीज अलग होंगी। याद रख सकते हैं? तभी तो जब गोल्ड के एटम बहुत सारे मिलेंगे तब वो जाके एक गोल्ड ही बनाएंगे। आप एक सिल्वर एटम को जोड़ जोड़ के गोल्ड नहीं बना सकते, आप सिल्वर ही बना सकते हो मेरे भाई और बहनें भी जो देख रही हैं।
कॉपर, कॉपर के एटम से आप जोड़ जोड़ के आप कॉपर ही बना सकते हो, आप गोल्ड या सिल्वर नहीं बना सकते। समझ में आया? क्लियर है? बहुत बढ़िया। सेवंथ देखो क्या है। सेवंथ है कि नंबर ऑफ एटम्स इन कंपाउंड इज फिक्स्ड, नंबर ऑफ एटम्स इन कंपाउंड इज फिक्स्ड। अब ये वाला क्या है, बेसिकली आपने एक चीज पढ़ी है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में क्या कहता है, जैसे मान लीजिए, इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, मैं इसे हटा दूं, जरा हटा दूं, बहुत बढ़िया। देखें लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में आपने पढ़ा है, कि जैसे मान लीजिए H2O, अब ये क्या है आपका, एक मॉलिक्यूल है पानी का, लेकिन पूरा पानी क्या है, एक कंपाउंड है। ओहो, कंफ्यूजन भाई। अभी हमने आपको बताया एक एल्यूमिनियम का एटम है, एक छोटी सी गेंद है, मान लो एल्यूमिनियम की छोटी सी गेंद जिसको हम एटम कह रहे हैं, वो एक एटम है एल्यूमिनियम का, लेकिन जब वो बहुत सारी गेंद जुड़ के एक सब्सटेंस बनाती है उसको हम एलिमेंट कहते हैं एल्यूमिनियम का। ठीक है, उसी तरीके से जब H और O मिले तो उन्होंने एक मॉलिक्यूल बनाया। अब ये मॉलिक्यूल जुड़ जुड़ के पूरा क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा। तो वाटर ये एक मॉलिक्यूल है, लेकिन वाटर पूरा क्या है, एक कंपाउंड है। तो एक कंपाउंड के अंदर जो एटम्स का रेशियो होता है H अपॉन O बाय मास इज कॉन्स्टेंट। जैसे अगर हम बात करें पानी का, तो पानी में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो होता है वो हमेशा 1:8 होता है। आप कितना भी मास ले लो, सॉरी कितना भी पानी का मास ले लो, और जब भी आप उसे तोड़ोगे तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलेगी, और उनका रेशो हमेशा 1:8 ही रहेगा। ठीक है, ये लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन कहता है। यही बात डाल्टन थ्योरी भी कहती है इस वाले पोर्शनेट में। वो ये कहती है कि नंबर ऑफ एटम्स इन कंपाउंड इज फिक्स्ड, नंबर ऑफ एटम्स की बात करी जा रही है। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में मास की बात करी गई थी, देखो वही वाला है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में मास की बात करी गई थी, यहां पर एटम की बात कर दी गई है। वहां पर भी, यहां पर भी यही है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में मास की बात करी गई थी 1:8, यहां पर किसकी बात करी गई है, एटम की बात करी गई है। अगर आप H2O के अंदर देखें तो यहां पर 2 क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और यहां पर 1, मतलब कि ऑक्सीजन क्या है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बताओ नंबर ऑफ एटम के हिसाब से, कि कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे पानी का, तो आप कहोगे 2:1, भाई 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जब आएंगे तब जाके क्या बनाएगा, एक मॉलिक्यूल बनेगा पानी का। यही बात वो ये कहना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इन कंपाउंड इज फिक्स्ड, मतलब कि हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तभी तभी पानी बनेगा, वरना नहीं बनेगा। आप ये नहीं कह सकते कि 4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिल जाएगा और तब भी पानी बन जाएगा, ये कोई पानी नहीं होता है, H4O ना भैया, ना ना। आप 4 हाइड्रोजन के एटम ले आओ, 1 ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होने वाली, वो 2 के साथ ही रिएक्शन करेगा और H2O ही बनाएगा। उसी तरीके से जैसे अमोनिया हो गया NH3, तो नाइट्रोजन के साथ 3 ही हाइड्रोजन जुड़ेंगे तभी जाके अमोनिया बनेगा। आप 10 हाइड्रोजन उसके पास ले आओ नाइट्रोजन को, वो सिर्फ 3 ही के साथ रिएक्ट करेगा। क्लियर? या फिर आप कितने भी नाइट्रोजन ले आओ NH3 H3 के पास, कितने भी नाइट्रोजन, इसे कहते हैं नाइट्रोजन, कितने भी नाइट्रोजन ले आओ 3 हाइड्रोजन के पास, वो सिर्फ एक ही नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर है। अगर आप ऑक्सीजन के पास कितने भी हाइड्रोजन ले आओ, कितने भी, वो 2 ही हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। समझ में आया? मतलब वहां पर बात करी गई थी मास के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, उसकी भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, क्लियर। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में बात करी गई थी मास के अकॉर्डिंग, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास सेम रहेगा, और बेसिकली भाई मास किसकी वजह से है, एटम की वजह से ही तो है। तो हम मास को कहें या नंबर ऑफ एटम्स को कहें, बात तो यही है, समझो ध्यान से। मतलब ये पोस्टुलेट जो है वो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन को प्रूफ करता है, समझाता है, एक्सप्लेन करता है। क्लियर? हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे और जो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो सेम होंगे, मतलब सेम रेशियो में होंगे, जो फिक्स्ड रेशियो है।
फिक्स्ड रेशियो का मतलब यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन के दो ही एटम एक ऑक्सीजन के साथ जब मिलेंगे तभी पानी बनेगा, वरना नहीं बनेगा। यही बात उन्होंने पकड़ी थी और यही बात लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन ने भी कहा था कि जब एक ग्राम ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तब 9 ग्राम पानी बनेगा। भाई इस रेशियो का मतलब यही तो हुआ, इस रेशियो का मतलब यही तो हुआ कि जब 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेंगे तब 9 ग्राम पानी बनेगा। ये तो मीनिंग हुआ इसका। तो ये हो गया हमारा 7th। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है कि ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन एटम्स कंबाइन इन होल नंबर। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। अभी हमने आपको बताया कि जो एटम्स हैं वो कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अभी हमने आपको बताया कि भाई H के दो एटम, H के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम, ये तीनों मिले और मिलके इन्होंने क्या बनाया, मिलके इन्होंने क्या बनाया, H2O। ठीक है, ऐसे ही हमारा कार्बन के एक एटम, ऑक्सीजन के दो एटम क्या बनाएंगे मिलके, CO2। ठीक है, मतलब जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब यहाँ पर ये वाली बात देखो, क्या ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन एटम्स कंबाइन इन होल नंबर। अब होल नंबर किसे कहते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। मतलब ये कि एटम्स जो होंगे वो होल नंबर में कंबाइन करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि भाई आधा कार्बन जुड़ गया। एटम कभी आधे नहीं होते मेरे भाई, ऐसा नहीं हो सकता कि एटम जो कार्बन का आधा एटम रिएक्शन में गया है वो तो 1/2। नहीं नहीं ना, एक एटम को एक फर्द एटम को तो आप काट ही नहीं सकते। मैंने अभी आपको बताया कि एटम एक वो छोटे से छोटी इकाई है, वो छोटी छोटी यूनिट है मैटर की, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली बात है वो रेशनल नंबर में तो रिएक्ट करेगा नहीं, वो रेशनल नंबर में तो कंबाइन होगा नहीं, होल नंबर में ही होगा। तो एटम का एक मॉलिक्यूल हो सकता है, दो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पाँच हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं, करोड़ हो सकते हैं, लेकिन आधा पौन बस 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 वो नहीं है, सोच रहे हो तो आधा पौन, हाँ आधा हो सकता है, आधा नहीं हो सकता, ढाई नहीं हो सकता, डेढ़ नहीं हो सकता, ये सब नहीं हो सकते, ये सब नहीं हो सकते। क्लियर, एटम्स जो कंबाइन होते हैं वो होल नंबर्स में होते हैं। कंबाइन की बात भी नहीं कर जाती, एटम होते ही होल नंबर में है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं तो आप ये नहीं कहोगे कि इसमें इसमें है 2.5 एटम है इसमें, मतलब दो है, दो एटम है और एक आधा एटम हो रहा है। अरे भैया नहीं, एटम्स होल नंबर में ही जुड़े हुए हैं इसमें। अगर इसमें मैं एटम कहूँ तो 3, 4, 5, 6 होल नंबर में होंगे, 3.5 नहीं होंगे कि तीन एटम देखो ये रहे एक आधा है ना तो आधा नहीं ना। क्लियर, 8 पॉइंट क्लियर हुआ ना। लास्ट तो नहीं है, एक और चीज़ है कि ऑल एटम्स आर स्फेरिकल इन शेप। अब ये बड़ी काम की चीज़ है। यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और मानी कि जो एटम्स हैं, जो एटम्स हैं, अब सवाल ये आया गया कि एटम्स की शेप क्या है, इनसे पूछा गया कि भाई एटम की शेप क्या है, तो इन्होंने जवाब दिया कि भाई जो एटम की शेप है हम वो मानेंगे स्फेरिकल, हम वो मानेंगे स्फेरिकल, मतलब कि एस। अब इनसे पूछा गया कि भाई स्फेरिकली क्यों मान रहे हो आप, तो इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। इन्होंने कहा कि भाई जो स्फेरिकल है वो मोस्ट स्टेबल स्टेट है, मोस्ट स्टेबल शेप है, काफी स्टेबल है, चारों तरफ से देखो एक जैसी होती है। अब सिलेंडर चारों तरफ से एक जैसा नहीं होता, क्यूब को अगर आप देखें तो वो स्टेबल नहीं है, उसके अगर आप कॉर्नर पे उसे मतलब रखने की कोशिश करो तो नहीं रख पाएंगे। क्यूबॉइड को अगर आप कॉर्नर पे रखने की कोशिश करो तो स्टेबल नहीं है। तो इन्होंने दो बात कही, पहली बात इन्होंने ये कही कि यार जो स्फीयर है ना वो मोस्ट स्टेबल शेप है, काफी स्टेबल है, हर जगह से एक जैसी दिखती है। यहाँ तक समझ में आता है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना। तो इस वजह से उन्होंने ये कहा कि जितने भी एटम्स हैं वो स्फेरिकल की शेप है। अब ये अजप्शन है, उन्होंने माना था कि भाई जितने भी एटम्स हैं वो स्फेरिकल शेप के अंदर है। समझ में आया, क्यों है, क्योंकि वो भाई मोस्ट स्टेबल है और कोई भी इस नेचर का रूल है कि कोई भी इंसान हो वो स्टेबल होना चाहता है ना भाई, स्टेबल ही तो होना चाहता है कि सब कुछ हो हमारे पास, लाइफ सेट है, तो हर एक इंसान स्टेबल होना चाहता है, तो एटम क्यों ना हो स्टेबल।
वो भी स्टेबल ही होंगे, और सबसे स्टेबल शेप कौन सी होगी, स्फीयर, ठीक है, क्लियर है। अब सर्कल मत कहना, टू डायमेंशन की बात नहीं कर रहे, थ्री डायमेंशन की बात करी जा रही है। उसके बाद लास्ट पॉस्टुलेट का देखो, लास्ट पॉस्टुलेट उन्होंने ये कहा, टेंथ पॉस्टुलेट में उन्होंने कहा कि मैटर्स को क्लासिफाई करा गया तीन स्टेट में, है ना, ये आपने पढ़ रखी होगी बचपन में, इसको हटा दें। एटम्स को तीन पार्ट में उन्होंने क्लासिफाई कर दिया अपनी थ्योरी के हिसाब से, एक सॉलिड स्टेट, एक लिक्विड स्टेट और एक गैस स्टेट, ठीक है, एक लिक्विड स्टेट, सॉलिड एंड गैस स्टेट। गैस स्टेट में उन्होंने कहा कि जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं, है ना, जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, टाइटली पैक्ड हैं, कुछ इस तरीके से, क्लियर, मतलब जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल मतलब एटम्स, जो एटम्स हैं आर टाइटली पैक्ड, क्लियर। अब ये सब आप जानते हो कि इनके डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, ये सब होता है, ये आप जानते हो। लिक्विड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो गैप है वो मॉडरेट है, मतलब ना ज़्यादा लूज है ना ज़्यादा टाइट है, ठीक है, एटम्स आर लूजली बाउंड एज कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है। वही अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस में तो भैया कहानी अलग हो गई थी, यहाँ पर तो उन्होंने कहा कि एटम भाई बहुत दूर दूर है, अब एक एटम का मतलब ये नहीं एक ही एटम है, समझाने के लिए बस ऐसे करके एक ऐसे करके दूर बना लो, ठीक है, मतलब जो एटम्स हैं आर लूजली बाउंड एज कंपेयर टू लिक्विड और एंड सॉलिड, तो ये टेंथ पॉस्टुलेट थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के, जो उन्होंने बेसिकली कहा, दसों आपको याद होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई हर एक पॉस्टुलेट में क्या मीनिंग है, क्या फील है, यहाँ तक समझ में। तो ये तो कोई बड़ा पॉस्टुलेट नहीं था, ये तो आपने पढ़ रखा है, बेसिकली उन्होंने अपनी थ्योरी से क्या काम का, एटम्स सॉलिड लिक्विड गैस को डिफाइन करा, उन्होंने कहा कि भाई एटम्स बहुत टाइटली पैक्ड होंगे तो वो सॉलिड स्टेट है, थोड़े लूज हो जाएंगे तो लिक्विड स्टेट है, बहुत लूज हो जाएंगे तो गैस स्टेट है, ठीक है, क्लियर है। तो ये है हमारी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, अभी रुक जाओ, पूरा फील लेते हैं। अब इसके ड्रॉबैक्स भी थे, मतलब ये थ्योरी चली नहीं ज़्यादा, आप ये सोच के मत बैठना कि ये थ्योरी सब कुछ है और बस यही एटम है और एटम आज भी हम यही पढ़ रहे हैं, नहीं भाई, बहुत पुरानी थ्योरी है, 1808 की थ्योरी है, ये फेल हो गई और ना जाने कितनी थ्योरी आई थी आगे। तो इसके ड्रॉबैक क्या है, इसके फेलियर क्या है, वो हम आपको बताते हैं, इसको नोट कर लो। चलो देखें भाई, जरा ड्रॉबैक्स, तो पहला ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने ये कहा था, मतलब अकॉर्डिंग टू थ्योरी, ठीक है, मैं यहाँ पर एक ब्लॉग बना देता हूँ, अकॉर्डिंग टू थ्योरी, मतलब थ्योरी क्या कह रही है, एक तो वो हम कहेंगे देखेंगे, और उसके बाद रियलिटी क्या निकल कर आई, ठीक है, रियलिटी क्या निकल कर आई, ठीक, मतलब कि ये तो हो गई जो थ्योरी कह रही है, जो थ्योरी एक्सपेक्ट कर रही है, ये है एक्सपेक्टेशन, ये क्या है, एक्सपेक्टेशन, ये एक्सपेक्टेशन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब रियलिटी क्या निकल कर आ रही है वो देखते हैं, रियलिटी क्या निकल कर आ रही है वो देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा एक्सपेक्टेशन जो हम मान रहे हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरी, जो हम चाहते हैं कि यार यही होना चाहिए, लेकिन रियलिटी कुछ और, जो रियलिटी जो सच में हमें मिला। अब क्या मिला देखो, पहली ये थ्योरी ये कहती है कि जो एटम्स हैं आर अनकट, आप उन्हें काट नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते, मतलब एटम्स जो हैं आर
स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, एक मैटर की सबसे छोटी यूनिट एक एटम ही है, आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते। ये थ्योरी कह रही है, ये थ्योरी एक्सपेक्ट कर रही है डाल्टन नॉर्मल थ्योरी कि भैया एटम जो है वो अनकट है, एटम्स स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर का, वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। लेकिन नहीं, रियलिटी कुछ और ही हुई। रियलिटी में जब प्रैक्टिकल्स करे गए, एक्सपेरिमेंट्स करे गए, तो ये देखने को मिला कि भैया एटम के अंदर भी बहुत सारे एटम हैं। मतलब एटम जो है इज ऑल्सो मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं भाई, एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। उन एटम, वो कौन कौन से पार्टिकल हैं? एक है आपका इलेक्ट्रॉन, एक है आपका न्यूट्रॉन, एक है आपका प्रोटॉन। ये फोर्थ चैप्टर में आप पढ़ोगे इनको डिटेल में। मतलब एटम, ये क्या मान के चल रही थी थ्योरी, एक्सपेक्टेशन क्या थी कि एटम्स आर अनकट, अनडिविजिबल, सबसे छोटी इकाई वही है, सबसे छोटे वही हैं। लेकिन भाई साहब पता चला कि एटम भी डिवाइड हो रहा है, एटम भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था डाल्टन का थ्योरी का। सेकेंड ड्रॉबैक देखो क्या है। सेकेंड ड्रॉबैक ये है कि इन्होंने क्या अज्यूम करा था, इन्होंने ये अज्यूम करा था कि सेम एलिमेंट, क्लियर, सेम एलिमेंट मतलब अगर मान लो एलिमेंट सेम है तो उनके एटम भी सेम होंगे, हैव सेम एटम्स। और सेम एटम्स का मतलब क्या था कि जो साइज जो था, जो मास था, वो भी सेम था, सेम मास। ठीक है भाई, एटम था जैसे एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स हैं वो सब सेम होंगे, और वो सब एटम सेम है मतलब क्या कि सबका मास सेम होगा, सबका मास सेम होगा। ये तो बात होगी भाई मेरे, जैसे कार्बन है, अब कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है, वो किससे बना होगा, कार्बन के एटम से जुड़ जुड़ के, एक जैसे एटम से जुड़ जुड़ के बना होगा। अब वो जो एक एटम होगा उसका मास सेम होगा, हर एक का मास सेम होगा, ये अजप्शन था। लेकिन ऐसा देखने को मिला नहीं, ऐसा देखने को मिला नहीं। यहां पर देखने को ये मिला कि ऐसा बहुत हुआ था कि सेम एलिमेंट्स कंटेन डिफरेंट मास एटम्स, क्लियर, डिफरेंट मास एटम। मतलब कि कार्बन का है ही का है तो कार्बन का ही एटम, लेकिन उनके मास अलग अलग आ रहे थे। हमें क्या लगा, इन्होंने ये सोचा कि कार्बन का एक ही एटम है और वही जुड़ जुड़ के बना रहा होगा, उसका मास सेम रहेगा। लेकिन नहीं, कार्बन एटम की भी वैरायटीज दिख गई, कार्बन एटम की वैरायटीज दिख गई जिनका मास अलग अलग आ रहा था। तो ये एक और ड्रॉबैक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। तो ये छोटी सी हमने एक वीडियो बनाई आपके लिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसके अंदर हमने इसके पोस्टर समझाए और इसके ड्रॉबैक्स बताए। ज़्यादा कोई ड्रॉबैक्स नहीं है, सिर्फ दो मेन ड्रॉबैक्स हैं, क्लियर। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा RK एजुकेशन पॉइंट को। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।